हैं दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ठीक है दोस्तों, अब ये बच्चे जो है ना, ये अब तो कैमरे को डाउन करके मेरे को फोन करना पड़ा। ये बच्चे आज इतने पूरे बड़े हो गए, टोटल क्या है, ये 1 2 3 4 6 एक लेफ्ट में हमारा ढोल रहा यार दोस्तों, जिंदगी में ये अपनी अभी प्रॉब्लम क्या शुरू हो गई दोस्तों, समझ नहीं दिखा। जय दोस्तों, बंदे मातरम, भारत माता की जय। झंडा ऊंचा हमारा दोस्तों, झंडा ऊंचा तो इतना हमें करके देखिए, वर्ल्ड के नंबर वन सेना है, लेकिन मानवता के नाम है वर्ल्ड में नंबर वन की स्टोरी। अभी मानवता के हिसाब से वर्ल्ड में लास्ट में चल रहे दोस्तों, ठीक है, मानवता के हिसाब से हम क्या वर्ल्ड में क्या लास्ट में चल रहे हैं, ठीक है, मानवता के हिसाब से हम वर्ल्ड में क्या लास्ट में चल रहे दोस्तों, एक चीज का याद रखना। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई पता, अब ये डॉगी है यार दोस्तों, सबसे बड़ा डिप्रेशन वाली बात अभी सिक्स हो गई। देखो ये हमारा पेट है दोस्तों, ठीक है, ये जो है कॉलोनी में घूमने वाले हमारा पेट है, हमारा पेट ये देश के पेट है, भारत के पेट है। अगर भारत ने जन्म लिया तो हमारी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मानवता के नाते इनको मतलब इनके बारे में सोचना, ठीक है दोस्तों। जिसने मेरा वीडियो पहले नहीं देखा था उनकी नॉलेज में डाल देना चाहता हूँ। ये जो है इसके ये जो डॉगी है इसका नाम हमने काली रखा है, इसको काली काली नाम दे दिया है। तो इस डॉगी को हमने क्या किया, इसने जो है रोड में बच्चे दे दिए थे दोस्तों, ठीक है, इसने रोड में बच्चे दे दिए थे। रोड में बच्चे देने की वजह से क्या, बीच रोड में तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे के आसपास इसने बच्चे दिए थे। तो मैं भी कहीं ना किसी ने बताया, उन्हें पता है कि सर करते रहते हैं, तो बताया सर ये डॉगी है, उसने जो है माँ बच्चे दे दिए रोड में और बच्चे कुचल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो मैं कहीं जा रहा था, बड़ी मुश्किल में आके वापस देखा तो वापस सीटें बड़ी थी। लोग यार देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, लोग तमाशा देखते हैं, लोग देखते हैं, देखा यहाँ रह गया, वो हो गया, हो गया। यार देखो मैं बार बार कहता हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे क्रिश्चे या मतलब चर्च वगैरह दुनिया भर की जगह जाती है, और मानवता के नाते हम अपने फैसिलिटी के लिए, अपने व्यवस्थ के लिए तो हम हर जगह चले जाते हैं दोस्तों। लेकिन कभी जिंदगी के दूसरों के बारे में सोचने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये बच्चे देखे अभी तकरीबन ये बच्चे जो है 1 महीने के हो गए हैं दोस्तों, 1 महीने की पूरी इनकी जो है 1 महीने की धरनी हो गई है, और ये अभी जो है दूध पीने लग गया। अभी इनको दूध जो है वो क्या नाम कहते हैं, अभी इनको दूध में बाउल में देने लग जाऊँ, ठीक है, तो बाउल में दूध देना शुरू कर दिया। तो बाउल में पी लेते हैं, माँ को अभी लोड कम पड़ रहा है क्योंकि बाउल के हिसाब से दूध पी लेते हैं। जब दोस्तों अगर मैं कहीं जाता हूँ, एक्सीडेंट कहीं इधर उधर निकल जाता हूँ लंबा, तो इनका हाथ से इनका फिट करके सेट करके जाता हूँ हिसाब किताब, ठीक है। और इनको जो जो काली है, ये जो ये इनकी माँ है, जो माँ की ममता से आके भगवान भी बोलिए, भगवान भी आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसके लिए भी इसका पूरा बंदोबस्त करना पड़ता है, रात के 10 बजे से लेके 10 बजे भी इसको 10 साढ़े 10 बजे भी खाना देना पड़ता है, खाना वगैरह दे के, ताकि जब दूध ग्रोथ हो। लेकिन अभी मैंने क्या कर दिया है कि दूध इनको अलग से देना शुरू कर दिया, जिससे इनका पेट भर जाए। बाकी काली की डाइट में कोई कमी नहीं है, पूरी इसकी काली की पूरी डाइट प्रॉपर चल रही है, ठीक है, काली की पूरी डाइट प्रॉपर चल रही है। अब हमारा पेट है दोस्तों, लेकिन अभी कुछ काम, कुछ बहुत से मुद्दों, कुछ काम होते हैं जिंदगी के अंदर जो अभी और निपटाने हैं, और जो मतलब मतलब तब तक करते रहूँगा मानवता के नाते। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आ गई है कि अभी क्या है, ये बच्चे यार बड़े हो गए हैं, तो अभी इन्होंने क्या अपने माँ को जरा रोड, मैंने गली के बीच में ही अपने घर के गली के बीच में ही इसकी इनकी माँ बना रखी है, घर की गली के बीच में इनकी माँ बना रखी है। माँ बनाने की वजह से वहीं पर ही मतलब छत बना रखी है, छत सपोर्ट देकर पॉली बैग वगैरह सब डाल के, आपको मैंने पहले भी वीडियो डाला हुआ, ताकि बर्फ आ रही है ठंड से बचे। लेकिन दोस्तों अब क्या है, ये ठंड ठंडा आने का संदेश शुरू हो गया है, तो ठंडा बढ़ते जाएगा दोस्तों, ठीक है। ऊपर वाले की दुआ से यार मैंने भी कहीं जाना था कुछ दिनों के लिए, ठीक, कुछ दिनों का मेरा प्रोग्राम था जाने का, तो उसमें दिक्कत भी आया। देखो यार सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि अब देखने वाली बात है यार, इसको मेंटेन कौन करेगा, इन पर नज़र कौन रखेगा, है, ताकि बच्चे बड़े हो जाएं यार, ज़्यादा से बड़े हो जाए। 1 महीना और ही अगर खींच लेना, 1 महीना खींच देंगे तो ये अपना क्या है, अपने हिसाब से रोटी रोटी ढूंढना शुरू कर देंगे। और यार सबसे बड़ा दिक्कत क्या, रात के समय कुछ चलने का होता है, क्योंकि शराब वराब पी के लोग अंटे संटे या वो ऐसे इतना दिन बाइक चला के रात होगा आते हैं सौ टेंशन लेके, और क्या बच्चा, बच्चे को क्या पता है, जो मासूम बच्चा है इसको क्या पता है यार दोस्तों, ठीक है, इसको कुछ पता नहीं है, ठीक है, इसको क्या पता। तो अपने इसको क्या पता, इसको कुछ पता नहीं है। तो यार उसी से कुछ परसेंट बच्चे कुचल जाते हैं यार। अब देख माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी, माँ की ममता है यार, जवाबदारी है। देखो कोई गोद ले नहीं रहा है, गोद लेने के लिए बहुत रिक्वेस्ट कर दिया लोगों से कि गोद लो गोद लो, लेकिन गोद लेने को कोई तैयार नहीं है दोस्तों, ठीक है। एक बार एक कोई ले गया गोद, और 2 दिन में देखो दोस्तों ये कोई ये कोई वो नहीं है कि इनको खाना देना टूटा नहीं है। जैसे बच्चे है ना, पूरे परिवार को पालना, एक बच्चे एक पिल्ले को पालना पूरे परिवार को पालने के बराबर होता है, ठीक है। बहुत मेहनत है, रात को जागना पड़ेगा दोस्तों, रात को जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, सुनाना पड़ेगा, उसको टॉयलेट करानी पड़ेगी, उसको वहां फिर बेड बनाना पड़ेगा, फिर अपने बाहों में सुनाना पड़ेगा। अगर ये सोचोगे कि ऐसी जाके खुराटे मारेगा सो जाएगा और दूध का 2 चम्मच पी के सो जाएगा, ऐसा नहीं होता है।
सोचो ना आपके बच्चे क्या ऐसी मतलब हमारे बच्चे क्या ऐसे बड़े हो जाते हैं, ऐसे बड़े कभी नहीं होते हैं, इस चीज़ का याद रखना। ऐसा हमारा कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, और जैसे बच्चे भी रोते हैं हम उसको सलाते हैं, रात को रोकना पड़ता है, माँ बाप को बारी बारी से उठ कर बच्चे की जवाबदारी नहीं पड़ती है, सब उसका टास्क करना पड़ता है, समझिए समझ गए। उस हिसाब से इनके साथ भी यार माया मोह के साथ चलना बहुत ज़रूरी है। तो माता के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम इसको अंजाम दें। और क्या नाम कहते हैं, अभी तक साथ के साथ पर यही है दोस्तों, साथ के साथ में कोई टाइम गया नहीं है, ठीक है यार। ऊपर वाले क्यों ये इंजाम के नाते यार, क्यों घर में इनके आने से घर में रौनक आती है, ठीक है, इनके आने से घर में रौनक आती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इनके घर उनके आने से जो है घर पर कोई दिक्कत परेशानी और ही बरकत होगी दोस्तों, क्योंकि आपने पुण्य का काम किया है। मान सरोवर की यात्रा, घर की यात्रा, सरोवर की यात्रा, उसको वहाँ से ज़्यादा समय निकालो, लेकिन वो सरोवर की यात्रा आपको जो है ना कोई भौतिक से नैतिक से कुछ नहीं देने वाली है, उससे आपको जरूर है कि भगवान में आस्था रखो, भगवान की आस्था सबसे बड़ी आस्था ही है, ठीक है। किसी गरीब इंसान की मदद करो, किसी बेरोजगार की मदद करो, किसी को हेल्प के साथ दो, उसके परिवार में खुशियाँ लाओ। देखो मैंने बार बार तीन से जब देखा भूखा नंबर है, अगर आप किसी मतलब आप किसी की सहायता करते तो इससे आपको दुनिया के लिए बचो, क्योंकि जिस इंसान की आप सहायता करो ना उसके परिवार में थोड़ी सी पीछे जरूर आ जाती है। देखो एक इंसान पूरी दुनिया नहीं बदल सकता। और पॉइंट नंबर तो मैं बोलता हूँ दोस्तों, हमेशा ये बात करना कि दोस्तों पैसे में सबर मिले लेकिन कर्मों का अमीर होना बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। और नंबर तीन बात मैं ये बोलता हूँ कि पैसे को सब कमाते दोस्तों, दुआ कमा के लिए देखो जिंदगी में क्या मजा आएगा, ठीक है। खाने को ही रोटी है, आगे सुबह 1 करोड़ रुपये पैसे कमा के 1,000 रोटी खत्म हुआ, 100 प्लेट चावल खत्म हुआ, वैरायटी खत्म रहते हैं, खुद से मन का सोच है, हम भी तो दाल रोटी में जिंदा है यार, हम भी तो दाल रोटी में जिंदा भैया, खा सकते हैं सब कुछ, लेकिन दाल रोटी में जिंदा है, ठीक है, दाल रोटी में जिंदा है, बस हो गया। मीट खा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, अपना करते हैं, देखते नहीं है मुझे मीट अंडा सरा भी तरफ, कभी जिंदगी में मतलब कभी देखा नहीं, ठीक है। आर्मी के अंदर रहने के बाद भी अभी कोई मतलब नहीं कि हमारे कान से दिख पर आ जाए, ठीक है। पेट लेकर याद रखो इंसान के नाम पे, इनको यार इनकी हेल्प करो, इनकी सेवा करो। अभी मैं इनको क्या अपनी छत पे लेके आया हूँ, अभी मैं कहीं जाने वाला था तो इनको चिल्लाने वाला हुआ की वजह से मैं अभी ऊपर आया और इनको अभी छत में ला के इनको वॉक किया हुआ है। अब ये क्योंकि छत पर इनको अभी इतनी था कि धूप लग जाए करके मैं लाया था, ठीक है, तरह से मतलब दोनों ग्रोथ करी, अभी यहाँ पर बैठ गए हैं, लेटे हुए हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है ना, हम लोग क्या करते हैं कि इन लोगों को जो है ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है हमारा कि हमको ना इन लोगों इधर पढ़ते दोस्तों कहते हैं ना बड़ा वो पढ़ेगा तो इग्नोर नहीं करेगा दोस्तों, ऐसे लोग इग्नोर कर निकल जाओगे ना, अगर 4 रोटी खाते हो तो यार 1 रोटी बनती है, चाहे गरीब इंसान की रोटी लो या छोटे इंसान की लो, किसी की रोटी लो, उनका भी रोटी बनती है, इनको साथ लेके चलो, ठीक है, तभी दूर पर बरकत होगी दोस्तों, ठीक है यार। देखो जानवर बहुत समझदार होता है, अपना पानी कहीं से भी दूर आवाज़ देता हूँ बच्ची को, मतलब ये भी खुद में भैंस में ये अगर मैं 300 मीटर दूर भी होता तो इसको पता चल जाता है, डॉगी 300 मीटर दूर ही रहता हूँ ना, लोग सोचते मेरे ऊपर छपट रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को पता वो जानते हैं तो कम से कम 20-25 कॉलोनी के अंदर ना सब छपट के मेरे पास आते हैं, ठीक है, सब जितने डॉगे ना सब झपट के आते हैं, दौड़ के वो करते हैं, सब एकदम से खुश हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, खुश हो जाते हैं। और क्या नाम कहते हैं, देखो वो भी हमें भी पता है यार, यार इनको दुखता हूँ मत यार, देखो सोशल मीडिया के अंदर ऐसे ऐसे डेंजर वीडियो भी आते हैं जिसमें दौड़ो इनको तंग करके क्या करोगे यार, ज़्यादा ही जोश आ रहा ना तो सेना में भर्ती हो जाओ, सेना बॉर्डर में जाके पाकिस्तान के छक्के छोड़ाओ, हैं इनको मार क्या करोगे, वहाँ तो तुम्हारा कच्चा गीला हो जाएगा। मैं ये वीडियो उनके लिए कह रहा हूँ जो लोग यार डॉगी को परेशान करते हैं, तंग करते हैं, ठीक है, तो उस समय तो तुम्हारा कच्चा गीला हो जाएगा, वहाँ पर परेशानी हो जाएगी तुम्हें, बॉटम है सेना के अंदर एक दिन की ड्यूटी करके देखो 24 घंटे में 48 घंटा काम करना पड़ता है, ठीक है, वहाँ 24 घंटे 2 दिन के होते हैं और बहुत शानदार बहुत जानदार तरीके से मेहनत के साथ काम और चले के साथ काम करना पड़ता है वहाँ पर, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो अभी ये खाली है तो मैंने कहा यार वीडियो बनता है, ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाना बनता है जो लोग मानवता के प्रति संवेदनशील है और जो पेटों को साथ के चलते हैं, ये वीडियो उनका है उनके लिए दोस्तों। और बाकी जो इन लोगों जानों को प्यार नहीं करते हैं और जानों को परेशान करते हैं ना, वो गलती से भी ये वीडियो को देखने की कोशिश मत करना और रिक्वायर करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है, नहीं समझ गए। और जो जानों को प्यार करते हैं, तंग करते हैं, परेशान करते हैं ना, और अगर वो मेरे साथ उसमें भी है फेसबुक पे भी अपना बस्ता हुआ तो सैड हो जाओ, ठीक है। मैं फेसबुक और यूट्यूब के अंदर पैसा कमाने के लिए नहीं हूँ, मानता हूँ समझ के ना दूँ, ठीक है, पैसे तो सब कमाते हैं, मैंने कहा ना कर्मों का अमीर होना चाहिए, दुआ कमा के तो देखो ये पैसा कुछ ना बोलता 2 रोटी है, कल के लिए दुनिया से चले जाना है, समझ गए समझ गए, कल के लिए दुनिया से निकल जाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना कमाए क्या कमाए, कोई ना पूछे सिकंदर से बोलते पूरी दुनिया चला था, आज क्या है
पूरी दुनिया को जीत के चलाता है, क्या है मिट्टी से बोलते सिकंदर का समझ गया, हनुमान किसी पूरी श्रद्धा वैसे पूरे गद्दा जी के पूरे नहीं हो रहे समझ गए, कितने जितने बिजनेस मैन कितने बड़े बड़े लोग हैं दोस्तों, सबके हनुमान ऐसे कह जाते हैं समझ गए। तो अभी मौका मिला है आपका टाइम है, इसलिए बता रहा हूँ आपको कि समय निकालने के लिए समय की जरूरत पड़ती है और समय निकालने के लिए समय की जरूरत पड़ती है, उस समय को हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है वो आपको पता होगा इसमें, ठीक है। सोशल मीडिया के अंदर लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं, लोग कितने अच्छे अच्छे काम करते हैं, दिखावे नहीं करते, लोगों को पॉजिटिव मैसेज देने के लिए करते हैं। दोस्तों NCR बाइकर्स एक लड़का है, मॉडर्न है, NCR बाइकर्स का यूट्यूब खोलो, मैं दोस्तों जो अच्छा काम करता है उसको NCR बाइकर है, कितना अच्छा काम करता है, रास्ते में रोकता है लोगों को, पेट्रोल खत्म हो गया था पेट्रोल देता है और ये मोटरसाइकिल खुद पेट्रोल डालता है अपने पेट्रोल से, लोग घंटे एक रुपये का काम रोकने के लिए तैयार नहीं है, पता नहीं कहाँ भाग रहे हैं, कौन सी सीट इनकी बहती है अमराज के साथ, तो कौन सी मिट्टी है इनकी समझ गया। लोग गाड़ी ठीक करता है, लोगों को हेल्प करता है, लोगों को सपोर्ट करता है, वहाँ पर समय निकालते हैं, समय निकालता है। NCR बाइकर की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब के अंदर देख लेना। तो यार इंसान के नाम पे अंदर शानदार काम करो, जानवर का नाम अच्छा काम करो, समझिए समझ गए। और दोस्तों याद रखना मेरा भी मानवता के नाते इंसान के नाते, ठीक है, जो भी छोटा मोटा काम करता हूँ, हर वीडियो मैं बनाता नहीं हूँ, नॉर्मल जो भी वीडियो बनाता हूँ जिसमें से 100 में से 2 वीडियो में कमेंट डालने की कोशिश करता हूँ, वो पॉजिटिव मैसेज के लिए कि ये काम हो रहा है करके, ठीक है नहीं ठीक है। तो इसलिए जो पॉजिटिव मैसेज डालता हूँ, तो मेरा भी यूट्यूब चैनल है दोस्तों ओम प्रकाश तलागी के नाम से, OM PRAKSH ओम प्रकाश तलागी के नाम से। दोस्तों मैंने बोला ना कि मेरे यूट्यूब से कोई पैसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, मैं यूट्यूब को खुद 1,000 रुपये या 2,000 रुपये महीना दे सकता हूँ, दे दूंगा अपना खर्चा काट के, मुझे पैसे का कोई लालच नहीं है समझ गए, पैसे का मेरे को पिछले पैसे का चक्कर होता, अभी कहीं जगह और नौकरियाँ कर रहा होता, नौकरी की कमी कमी नहीं है, ना किसी चीज़ की जॉब की कमी है, ना किसी चीज़ की कोई कमी है, ठीक है, और ना हुनर की कमी है, समझे नहीं समझे। और अभी ऑफर भी है, लेकिन अभी कोई नौकरी का कोई मकसद नहीं है, अभी जो समाज से बड़े मुद्दे के साथ लगेंगे, ठीक है, पैसे कमाए लोग मेरे 4-5 से 5 पेंशन कमाए 6 कमाए अपना सिस्टम लिया दोस्तों, अभी जो है जो भी जिंदगी है जो भी समय है ना हमारा, वो जो है लोगों के प्रति संवेदनशील होने के उनके साथ हेल्प करने वाला बिताना है और उनको साथ लेके चलना है दोस्तों, और ये अपने बलबूते कोशिश कर रहा हूँ करने की। ऊपर वाले ने ऊपर वाला अल्लाह वाले को जिसके संबंधी ऊपर वाला हो, यीशु हो, क्या कहते हैं गुरु नानक जी हो, ठीक है, और अल्लाह हो, भगवान हो, ठीक है, जो भी है सब जितने भी हमारे हम जिनको मानते हैं, भले हम सबको मानते हैं, सबका धर्म का सम्मान और इज्जत करनी चाहिए, तो मैं सबको साथ देखे सभी लोगों के ऊपर मेरी पूरी आस्था भरोसा, अल्लाह पे मेरा पूरा भरोसा है, भगवान पूरा भरोसा है, ईश्वर में मेरा पूरा भरोसा है, जितने भी धर्म के लोग हैं साई पे मेरा पूरा भरोसा है, जितने भी धर्म है सबके धर्मों को मैं मानता हूँ, सबकी इज्जत करता हूँ, सबका सम्मान करता हूँ, और मैं और वो मेरी हेल्प पूरी तरह से करते हैं, बहुत अच्छी तरह से करते हैं, और पूरा सपोर्ट है, अभी तक मैं रुका नहीं दोस्तों, बचपन से दौड़ में शामिल हूँ, पहले तो वीडियो बनते नहीं थे, ये तो पंजा से लिए वीडियो अभी शुरू कर दिया, नहीं तो मैं तब से चला तो अभी तक रुका नहीं दोस्तों, सेना के अंदर भी नहीं रुका, इसलिए सोशल मीडिया इमोशनल काम या ऐसे काम करने में हेल्पिंग काम करने में, चाहे फुटबॉल हॉस्टल था वहाँ भी रुका, वहाँ भी हेल्पिंग काम करने फुटबॉल हॉस्टल में जब था मैं तब भी मैं वहाँ भी रुका था, और जब छोटा था जब 5-5 से 1-1 दुकान तब भी नहीं रुका था दोस्तों, तो रुकने का नहीं है, पढ़ते रहने का, मंजिल करीब है बट ढूंढने की जरूरत है, और मैं ढूंढ रहा हूँ और मंजिल मिलेगी, और लोगों की कोशिश देते आ रहा हूँ और देते रहूँगा, ठीक है, और चाहता हूँ कि आप लोग भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और दोस्तों अभी जो है अभी यहाँ ऊपर एक कबूतर है, ये यहाँ पे भी कम से कम 100-200 कबूतर छत में अलग से मैंने फ्लैट रखे, जिसमें कम से कम 100-200-300-1,000 तक भी कबूतर आ जाते हैं, तो उनको भी 3 टाइम का चारा देना पड़ता है, अगर आप छोटा मोटा आ गए तो समय निकाल सकते हो, छत में एक थाली रख दो यार, और एक बड़ा सा बाउल रख दो जिसमें हमेशा पानी होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, एक बाउल रखो जिसमें हमेशा पानी होता है, मैं दिखाऊंगा आपको, एक बाउल होता है जिसमें हमेशा पानी रखो, अभी मैं चेक कराता हूँ, उसमें पानी रखो, और जो है ताकि कोई भी वो आए तो अपना पानी दे, मैं आपको दिखाता हूँ, ये है दोस्तों, ठीक है, इसमें भरा होना चाहिए, समझ नहीं समझ, सिंटेक्स के ऊपर रखा हुआ है, इसमें पानी वगैरह रखो, और कबूतर का सारा जो भी डालना है आपने प्रॉपर सही तरीके से शानदार तरीके से आप डाल सकते हो, ठीक है, ये इसको डालते हैं कबूतर का चारा, और कबूतर खा के चलेगा, इसमें पूरा प्लेट का चारा पड़ता है, और ये देखो कबूतर उड़ता हुआ दिख रहा होगा, ये समझिए पूरे कबूतर, सबको पता है टाइमिंग सिस्टम, सब पता है उनके बारे में पता है, ठीक है दोस्तों, और ये देख लो आप, अगर देखना ये क्या लिखा है, ये लिखा है कबूतर चारा, तो कम से कम 50 या 60 किलो, मतलब ये लगा लो 50-60 किलो 60-70 किलो कम से कम चारा लग जाता है इनमें भी, ठीक है, 50-60-70 किलो चारा इनमें लग जाता है, ठीक है दोस्तों,
वंदे मातरम भारत माता की जय, झंडा होता है रहे हमारा।